बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब किसान दोस्तों सलाम अलैकुम। ये अपना किसान दोस्त काफ़ी मुंतजर होने अपनी इस वीडियो के अपना जीवन दे बारे दे विच, क्योंकि जमीन की तैयारी सी, कुछ तबीयत नहीं सी मेरी, जाना मेरा दाड़ का मसला सीगा, इधरों बोलन दे विच थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, तो काफ़ी दिन हो गए हूँ कुछ बेहतर अलहमदुल्ला, तो वो वजह ने अपना वीडियो नहीं पा सके, लेकिन हूँ मैं इस चीज़ में समझा भी है अज वीडियो लाजमी होनी चाहिए ये बारे च, क्योंकि जमीन की जी तैयारी है अपनी आखिरी मराहल से आप शेयर करना सगा ना थोड़ा दिखाना सगा ये आप गल जीवन वो बारे सारी डिटेल देवे पहले पानी तक जमीन की तैयारी और पहले पानी तक जोड़ा पहला पानी लगाना उन्होंने की फर्टिलाइजर देनी है की चीज़ उन्होंने फ्लड करनी है वो बारे आप डिटेल देवे ते और इंशाल्लाह मेरा अजमाया होया मतलब ये कुलिए जड़े मैं थाना शेयर करूँगा, मेरे ख्याल ना जड़े अजमाए हुए और खरे कुलिए बहुत कम लोग अगे शेयर करते हैं, तो दसते जरूर आ सारे लोग, लेकिन वो घट वसते भी मैं किस तरह समझाव भी उत्तों यानी कि छड़ देंदे समझ के तो आप बिल्कुल जी खरी है सच्ची गल आप समझावे, तो अज अपना लेजर लैवल हो रहा जी, वह भी थानू दसांगे, शराफत के वाल साहब ही आओ लगे हुए करन, तो आओ थानू हुण आपां जरा चैक कराने और हाँ नंबर दो ते देसी गार्लिक जिहड़ा 756 और नंबर दो ते देसी गुलाबी ये बारे काफ़ी लोग दसते पूछ रहे आपां नू भी उन्हूं पहली पानी ते कि खुराक देनी है। देखो जमीन तैयार कर लेनी है ढेर शेर उस पालना वा उन्हूं जो लगाना तो उन्होंने पहले पानी दे तक उन्होंने कोई खुराक नहीं देनी, बल्कि उन्होंने 3 से 4 पत्तियां तक कोई खुराक नहीं देनी, उन्होंने जर्मीनेशन वो होने देनी है, वो कोई ऐसी चीज़ ही है नहीं कि छोटा छोटा हों चार पाँच पत्तियां तक आपकी खुराक आपके पत्तियां स्टोर ही नहीं कर सकता, आप इसलिए उन्होंने कोई चीज़ पा ही नहीं सकते, यूँ ही वह 4-5 पत्तियां तो आएगा आपको फिर, बल्कि मेरी पहले वीडियो भी मौजूद आ, यूँ ही 4-5 पत्तियां तो आया से मैं दसिया भी उदो आप खुराक शुरू की देसी गुलाबी और NS-756 तो मजीद आप समझावे जो 3-4 पत्तियां तो आ गया, और मेरे तो काफ़ी लोग यह सवाल कर रहे थे जी तुम कितों लगा रहे हैं अपना जीवन, देखो जी मैं काफ़ी दोस्त लगा भी रहे हैं तकरीबन 20 सितंबर तो शुरू हो गया काम यह 18-20 सितंबर तो, लेकिन आप लगाना हले ना ही आप किसी नूं ये कहोंगे तुसी लगाओ, क्योंकि अक्तूबर का पहला हफ्ता जिहड़ा हुंदा वा बेहतरीन हुंदा, ते अक्तूबर के पहले हफ्ते टैंपरेचर जिहड़ा थोड़ा डाउन होना जी। दोस्तों अपना ये डेरे के नाल नाल तुसी देख सकते हैं ये अपना लैंड तकरीबन 3 एकड़ का और गन्ने तक कमा थानू नज़र आ रहा, उस तक अपना 3 एकड़ का लैंड है, यह आप तैयार कर रहे हैं हूँ, मैं जी यदि तैयारी थोड़ा दस दिना मैं किस तरह की है, इनू इतने से चावल सुपरफाइन जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन्होंने पता लग गया होना सुपरफाइन कास्ट सेगा इतने, तो उन्होंने इंशाल्लाह तो जो वड्या से माशाल्लाह उन्होंने तो वो जड़े सुडे ज कह सकते हैं तना उन्होंने कह सकते हैं 4-4 इंच का 5-5 इंच का सगा कबूटा मशीन आप कटाई वो करवाई सी तो बच गया सगा वो आपू उत्ते रूटावेटर लाजमी पहला काम आ रूटावेटर उन्होंने रूटावेटर करवाया उन्होंने कुतरिया बच्चे उस बाद दो सियाँ हल्दिया लाइया रूटावेटर उत्तों दो सियाँ हल्दिया आप लगाइया सी ते ताक थोड़ा उतली तह ये पट हो जाए तो उस बाद आपू लैवल कर रहे हैं लेजर लैवल हो रहा थोड़े सामने तो ये उत्ते हूँ आप गोबर पावे गलिया सड़िया जड़ा भी मिले आपू अच्छी क्वालिटी का जड़ा होगा वह पावे ये आप इंशाल्लाह 1-2 दिन के विच जमीन अपनी रेडी हो जानी है तो इनू रू ए गोबर पा के इस तरह ही थोड़े सामने आ देखो हूँ लैवल हो गया ये उत्ते आप पा के इनू गोबर ओल भी कहें अपनी अपनी जबान दे विच रे भी कहें आ जो थानू थोड़े जबान दे विच ज़्यादा उर्दू के अल्फाज दे विच
गोबर कहा जाता इसलिए ताकि सारे लोग समझ जाए इस पर पा के आप इनू तो ये उत्ते आप लवेंगे चीजल की दौर एक इस तरह लंबाई लगावेंगे एक इदा चौड़ाई लगावेंगे एक तो गोबर में मिक्स हो जाएगा एक थलो तह जी नरम हो जाएगी। ये दोस्तों तरीका वा तुसी सुन लिया वा। इस तो बाद जो गोबर पै गया चीजल लग गया सारा कुछ तैयार हो गया फिर आप तकरीबन इनू अंदाजन जिस जो आप लगाना मैं मिसाल दिना मैं अगर यकम अक्तूबर काश्त इनू करदा और थानू नज़र आ रहा जी आप पराली भी रख ली है एक और ढेर लगा पाया एक और लगा पाया वा ये मल्चिंग वास्ते ये आप उतों चीजा लगा के इनू छोड़ देना वा। जी मैं जिस तरह थानू दस रहा है गोबर पा के चीजा लगा के इनू छोड़ देना वा इस तरह ही फिर जिस तरह मैं मिसाल दे रहा थानू एक अगर आपां इनू यकम अक्तूबर काश्त करना वा इनू तो इनू आपां 30 सितंबर नू इस खादा पावांगे। हुण खादा किहड़ियां पाउणियां काफ़ी दोस्त फिर दोबारा क्वेश्चन करनगे मैं तकरीबन आपदी वीडियो च सारे सवालों के जवाब तुहानू दे रहा वा। जीवन वास्ते स्पैशल पिछले साल तो मैं ज़्यादा खाद यूज़ की सी लेकिन इस दफा क्योंकि खादा के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं लेकिन मैं अपनी थानू दसूँगा एक बोरी DAP दो बोरी सिंगल सुपर फास्फेट क्योंकि उस भी हुंदा वा काफ़ी खा तीन चार खादा का मिक्सचर हुंदा सिंगल सुपर फास्फेट SSP उन्हूं कहिंदे आ ते उस फास्फोरस भी हुंदा वा दो थैले SSP एक DAP एक यूरिया ये तकरीबन चार थैले हो गए ये आप जमीन दे विच पा देने थले 30 सितंबर नूं ते 30 सितंबर नूं आप पा के इनू उत्तों इनू रूटावेटर ला देवांगे ताकि वह जो इन चीजल फिरना ये थल्यों वड्डे वड्डे वट्टे निकलणगे थले तह जो तोड़नी आपां ते उहनूं फिर उत्तों रूटावेटर लगा के रूटावेटर दे नाल ये होएगा एक तो खाद विच मिक्स हो जाएगी रूटावेटर ला के बिल्कुल उन बेहतरीन जमीन बना लवेंगे। दूसरे नंबर ते इनू अगले दिन यकम अक्तूबर नूं आपां बैड शिपर लिया के ना बैड पा देवांगे और नाल ही अपनी लेबर आ जाएगी इंशाल्लाह वह उत्ते लगाउण लग जाएगी। जीवन और मैं किसान दोस्तों ने एक होर बड़ी अच्छी गल थानू भी दस दवा समझण दी आ NARC रिकमेंड करता 6x6 ते मतलब 6x6 इंच ते वह कहिंदा जी लगाओ लेकिन मैं जो तजर्बा पिछले साल किया 6x6 दा मेरा जिहड़ा गठा सीगा पुथी लसन दा एक वह निकलिया 400-500 ग्राम और जिहड़ा मैं 8-9 इंच ते लगाया सीगा वह माशाल्लाह निकलिया सी मेरा 600 ग्राम 700 ग्राम 800 ग्राम 900 ग्राम 600 ग्राम दे बहुत कम सीगे जिन्हां ने मेरिया पिछलियां वीडियो देखिया वा उन्होंने पता इस चीज़ का 800 ग्राम 900 ग्राम तक बड़े ईजली मेरे वह निकले सी इसलिए इनू कम अज़ कम 8-10 इंच के फासले से लगाओ और तुसी ये ना देखो जी साड़ी जमीन मतलब बीज कम लगेगा लेकिन जो थोड़ा साइज़ माशाल्लाह आउट क्लास निकलेगा कोई भी व्यापारी कोई भी इंसान जिन्होंने तुसी सेल करोगे वह 100-50 रुपये वाधू रेट ला के थोड़े को लै जाएगा तो अच्छी चीज़ जी होंगी मार्केट से ज्यादा महंगी बिकती ज़्यादा पैसे ना। और नंबर दो ते मतलब मुश्किल पेश नहीं आती तुसी सफाइया नहीं दोगे जी असं इदा अच्छी चीज़ आ जाहरी गल अच्छी चीज़ अच्छे पैसे हो गए इसलिए मैं थोड़ा दस रहा बैड के उत्ते जिन्हें लगाना वा 8-10 इंच के फासले से लाजमी लगाओ और वह रिजल्ट देखो इंशाल्लाह दवा दोगे तुसी। मेरे ख्याल ना ये सारे सवाल आ गए आ मैं देसी का भी लसन का दसता थानू तो ये भी सारा समझाता इंशाल्लाह आप हूँ 3 एकड़ का लैंड जोड़ा आप तैयार करवाया 1 एकड़ वह परे आ दूसरा आ वा आ तो तुसी मेरे ख्याल मेरी पिछलिया वीडियो ही देख लिया आप पिछले साल इतने जीवन काश्त किया और मैं भी दस दवा मैं 5-5 ट्रालियाँ 20 एकड़ के हिसाब न गोबर डालना 5-5 ट्रालियाँ ते और पहले पानी के उत्ते नारक जीवन जिहड़ा मैं कुछ इनू देना वा जो लग गया पहला पानी जो आप देना वा फौरन बाद लगन तो जिनी जल्दी हो सकता तुसी उन्हूं पानी दिओ क्योंकि थोड़ी गर्मी है टेंपरेचर थोड़ा ज़्यादा होएगा 30-32-34 पोथी मोटी या खराब होने का खदशा हुंदा इनू आपां एक
जी आपां इहनूं पहले पानी दे उत्ते जो इहनूं मतलब फ्लड करना पहले पानी दे उत्ते मैगनीशियम सल्फेट साल्ट हुंदा मैगनीशियम सल्फेट सस्ता या हुंदा कोई महंगा नहीं हुंदा 80-90 रुपए हद 100 रुपए किलो हुंदा तकरीबन इन्ना के मैं 90 रुपए लैके आया किलो अगले दिन बहुत अच्छा एक नंबर क्वालिटी का मैगनीशियम सल्फेट 5 किलो नंबर 2 पहले पानी की मैं गल कर रहा मैगनीशियम सल्फेट 5 किलो और हुमक एसिड 4 लीटर एक ड्रम दे विच घोल लेना वा ड्रम च घोल के जो पानी जाएगा हल्का जहा वाल खोल देना मिक्स होकर नाल लगी जाएगा ये मैं पहले पानी का थानू दस रहा दोस्तों जी वन का मैं दोबारा दोहरा दिना मैगनीशियम सल्फेट 5 किलो सस्ता या हुंदा वा है कोई महंगा नहीं हुंदा और हुमक एसिड 4 लीटर ये पहले पानी का फ्लड करना कोई खाद नहीं पौनी कोई कुछ नहीं करना और इनू जो पहला पानी ला देना वत्तर आना वा 4 to 5 दिन बाद 5-6 दिन बाद अच्छा एक होर भी मैं थोड़ा दस दवा जो आप मैगनीशियम सल्फेट और हुमक एसिड पा देना वा ये वत्तर आना 24 घंटे डवाल गोल्ड और पेंडी मैथालीन ये दोनों स्प्रे मैं खरीद लिया वा इंशाला मैं उसके उत्ते 24 घंटे कोशिश करूँगा शराफत भाई को कहूँगा ये उत्ते स्प्रे कर देगा वो ये होएगा क्योंकि आप तो मल्चिंग कर देनी है बैड के उत्ते तो गंद नहीं पुटना लेकिन जड़ा खाली खाली अपन खालिया होनी पानी वाली वाटर चैनल जिन्हों कहते हैं वो 40 to 50 दिन सुकून के नाल यह जड़ी बूटी नहीं होएगी फिर अगर कोरा शुरू हो जाएगा वैसे ही रुक जाएगी 2-3 महीने का सू सुकून हो जाएगा ये पेंडी मैथालीन और डवाल गोल्ड तो डवाल गोल्ड नया सवेरा वाली की है पेंडी पेंडा मैथालीन मुख्तलिफ नामा तो ते जो तुम कहो सू जहर दे दौ और जड़ा डवाल गोल्ड आ नए सवेरे वाली तो मिलेगा थानू उतो तुम लै सकते 1 लीटर और इनू कम अज़ कम 120 to 150 लीटर पानी के 1 लीटर पेंडी होएगी और 1 लीटर ही थोड़ा होएगा डवाल गोल्ड उन्होंने तुम 120 to 150 तसली दे नाल पानी दे विच उन्हूं मिक्स करके ते तुसीं उन्हूं मतलब मेरे ख्याल ना 6 या 7 7-8 टंकियां 7 के लगनी है तसली ना तुसीं 24 घंटे दे विच गल के उत्ते कर देना और जदों उन्हूं वत्तर आना वा 5वें 6वें दिन फौरी तौर दे उत्ते वो अपनी पराली पई है फिर मल्च कर देना वा इंशाल्लाह आउट क्लास मल्चिंग दे फायदे आ ते घट खर्चे दे विच अच्छा नतीजा इंशाल्लाह मेरे ख्याल ना थानू इस चीज़ की समझ आ गई होएगी मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दिती है इंशाल्लाह जो लगावे इनू बल्कि जो खादा पावे कुछ उदो वीडियो बनावे और जो लावे कुछ उदो वीडियो लावे बनावे तो समझ आ जाएगी मैं इजाजत दो थोड़ी लंबी वीडियो होगी दोस्तों साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जेडे वाच करते हैं सानू हसते रहो मुस्कुराते रहो तो अपनी दुआवें सानू याद रखियो ओके अल्लाह हाफिज़।